गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 15 मई 2019 और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर्स का। आज के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखें। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन क्वेश्चन की PDF फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इन क्वेश्चन की PDF फाइल। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें या अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सएप नंबर के थ्रू शेयर कर सकते हो। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में पहली महिला ICC मैच रेफरी कौन बनी है? तो ये बनी है GS लक्ष्मी। यही है GS लक्ष्मी और ये भारत की है GS लक्ष्मी। तो ये ICC इंटरनेशनल पैनल मैच में रेफरी नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है ये GS लक्ष्मी। इन्होंने पहली बार 2008-2009 में घरेलू महिला क्रिकेट मैच में रेफरी के रूप में पदार्पण किया था। तो यही है GS लक्ष्मी। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट नाम है ICC। तो ICC के फुल फॉर्म में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC की स्थापना हुई थी 1909 में। ICC का हेड क्वार्टर है दुबई। दुबई कहाँ पे? UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में ही दुबई। और ICC के चेयरमैन है शशांक मनोहर और ICC के CEO हैं मनु साहनी, अभी नए बने थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने अभ्यास मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? तो ये क्या है? DRDO ने। यही है अभ्यास और इसी का ही सफलतापूर्वक परीक्षण किया है DRDO ने। किसने किया है? DRDO ने। तो ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, तो इसी का ही सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है इस मिसाइल का, अभ्यास का। और ये कहाँ पे किया है? तो ये उड़ीसा के चांदीपुर में किया है इसका परीक्षण। कहाँ पे किया है? उड़ीसा के चांदीपुर में किया है और DRDO ने किए हैं। अब DRDO इंपॉर्टेंट है। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं G. सतीश रेड्डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस बैंक ने पहली बार कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप के लिए 700 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की घोषणा की है? तो ये किया नाबार्ड ने। तो नाबार्ड ने पहली बार कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप के लिए 700 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की घोषणा की है। और नाबार्ड ने ये पहली बार किया है। ग्रामीण विकास बैंक ने स्वयं एक कोष शुरू किया है ये, तो ये पहली बार किया है नाबार्ड ने। तो अब ये घोषणा की है नाबार्ड ने। तो नाबार्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके अध्यक्ष है हर्ष कुमार बनवाल। कौन है? हर्ष कुमार बनवाल है नाबार्ड के अध्यक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में एशिया पैसिफिक डायमंड कप 2019 किसने जीता है? तो ये जीता है योसुक आसाजी। ये जापान के प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं योसुक आसाजी। यही है योसुक आसाजी और इन्होंने जीता है एशिया पैसिफिक डायमंड कप 2019। तो ये जापान के हैं योसुक आसाजी। और इसमें भारत के राहिल गंग जी 39वें स्थान पर रहे और विराज मदप्पा ये रहे 53वें स्थान पर।
तो ये किताब जीता है योसुक आशा जी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाए हैं नैनीताल बैंक पर। ऑप्शन सी करेक्ट है, नैनीताल बैंक पर आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब ये जुर्माना क्यों लगाया है? तो आरबीआई ने इस पर जुर्माना इसलिए लगाया है, तो इसलिए लगाया है नैनीताल बैंक ने, गैर निष्पादित परिसंपत्ति पहचान प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वचालित करने में विफलता के लिए लगाया है ये जुर्माना। तो जो गैर निष्पादित जो परिसंपत्ति है उसकी पहचान प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वचालित करने में असफलता के लिए ये जुर्माना लगाया है नैनीताल बैंक पर 1 करोड़ रुपये का आरबीआई ने। अब ये जुर्माना लगाया है आरबीआई ने, तो आरबीआई इंपोर्टेंट है। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास और ये 25वें गवर्नर है आरबीआई के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस बैंक ने ट्रेवल पोर्टल गो आई बीबो के साथ हाथ मिलाए हैं? तो ये मिलाए हैं आईसीआई बैंक ने। तो हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने ट्रेवल पोर्टल है ये गो आई बीबो, तो इसी के साथ हाथ मिलाए हैं। तो आईसीआई बैंक ने ऑनलाइन ट्रेवल बुकिंग पोर्टल गो आई बीबो के साथ सह ब्रांडेड बहुमुद्रा कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है और इस कार्ड में 20 20,000 रुपये तक का लाभ शामिल है इस कार्ड में। तो आईसीआईसीआई बैंक ने ऑनलाइन ट्रेवल बुकिंग पोर्टल गो आई बीबो के साथ सह ब्रांडेड बहुमुद्रा कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है, तो इस कार्ड में 20,000 रुपये तक का लाभ भी शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में एलआईसी म्यूचुअल फंड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गए हैं? तो ये नियुक्त किया गया है दिनेश पेंगटेई पेंगटेई यही है दिनेश पेंगटेई, और इन्हीं को ही एलआईसी म्यूचुअल फंड ने सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। अब ये बात आई है एलआईसी म्यूचुअल फंड की, तो एलआईसी की ही कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 20 अप्रैल 1989 को। कब हुई थी? 20 अप्रैल 1989 को, और एलआईसी के द्वारा ही की गई थी इसकी स्थापना। एलआईसी की स्थापना हुई थी 1956 को, तो एलआईसी के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी एलआईसी म्यूचुअल फंड की 1989 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है फ्रांस में। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो फ्रांस में शुरू हुआ है सिनेमा की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में से एक है कांस फिल्म महोत्सव, और ये फ्रांस में शुरू हो गए हैं और ये 14 से 25 मई तक चलेगा और ये 72वां कांस फिल्म फेस्टिवल है ये जो कि फ्रांस में शुरू हो गए हैं, और इसमें भारत का नेतृत्व किया है सूचना और प्रसारण सचिव हैं अमित खरे। तो इन्होंने भारत का नेतृत्व यही करेंगे, सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे। और इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्थापना हुई थी 1946 में, तो ये फ्रांस में शुरू आए। तो मैप में देखते हैं फ्रांस को, हेरा मैप में फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हाल में किसने अमेजॉन इंडिया के साथ साझेदारी में ऑनलाइन स्मारिका स्टोर लॉन्च किए हैं? तो ये क्या है, दूरदर्शन ने। तो हाल ही में दूरदर्शन ने अमेजॉन इंडिया के साथ साझेदारी में ऑनलाइन स्मारिका लॉन्च किया है। तो ये किया है दूरदर्शन ने। तो ये लॉन्च इसलिए किया है कि अपने दूरदर्शन ने अपने दर्शकों के लिए एक ऑनलाइन स्मारिका स्टोर शुरू किया है ताकि कोई भी इसे आसानी से देख सके। ए सूर्य प्रकाश अध्यक्ष हैं और प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं ए सूर्य प्रकाश, और इसी ने अमेजन इंडिया पर डीडी स्मारिका स्टोर लॉन्च किया है। तो प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं ए सूर्य प्रकाश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में विकासशील देशों की WTO मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये बैठक हुई है नई दिल्ली में। तो हाल ही में नई दिल्ली में WTO मंत्रिस्तरीय बैठक संपन्न हुई है। जब शुरू हुई थी नई दिल्ली में, जब भी बताया था ये, अब ये संपन्न हो गई है। नई दिल्ली में, और इसमें भारत का नेतृत्व किया था, इसमें भारत की ओर से पार्टिसिपेट किया था इसमें सुरेश प्रभु ने, वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु, और इन्होंने भारत की ओर से इसमें पार्टिसिपेट किया था। और बात करें WTO की, तो WTO की फुल फॉर्म में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। तो हाल ही में कर्नाटक बैंक लिमिटेड के नए CEO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन बने हैं? तो ये बने थे बालचंद्र वाईवी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका करेक्ट आंसर लिखा है कमेंट बॉक्स में। तो ऐसे ही प्रत्येक वीडियो के क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखें। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में IPL 2019 का खिताब किसने जीता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएँ। और इन क्वेश्चंस की PDF फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इन क्वेश्चंस की PDF फाइल। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखें, या अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सएप नंबर के थ्रू शेयर कर सकते हो। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही में स्टैटिक GK के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी दिए जाते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।